टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हेलियंथस स्टेम। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने मोनोकोट स्टेम के बारे मेज के बारे में डिस्कस किया था। ये क्या है? डाइकोट स्टेम होता है, जिसमें आपके सिलेबस में है हेलियंथस एनस, जिसको सनफ्लावर भी कहते हैं। सबसे पहले हम सूरजमुखी के स्टेम का टीएस कट करेंगे, अनुप्रस्थ काट जिसको बोलते हैं, टीएस कट करेंगे। उसके बाद डबल स्टेनिंग करेंगे सेफ्रिनिन तथा फास्ट ग्रीन के साथ में। उसके बाद में ग्लिसरीन से उसको माउंट करके उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस। सबसे पहले एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर ये क्यूटिकल डार्क कलर की दिख रही है आपको। क्यूटिकल युक्त पतली परत होती है, ये लगभग आयताकार पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं की एक परत से निर्मित होती है। तरुण अवस्था में, तरुण अवस्था का मतलब जब ये सॉफ्ट होती है, और जब ये तना सॉफ्ट होता है, या फिर जब यंग स्टेज में होता है तो इस पर रंध्र पाए जाते हैं। लेकिन जब ये मेच्योर कंडीशन में होता है तो इसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स वातरंध्र जिसे कहते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। उसके बाद हम कॉर्टेक्स की बात करें। कॉर्टेक्स को तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ये देखिए, ये है हाइपोडर्मिस, जो आपको डार्क डार्क सेल्स दिखाई दे रही है, ये है हाइपोडर्मिस। ये स्थूल कोणत की कोशिकाओं की 3 से 4 परतों से निर्मित होती है। कोलेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे इंट्रासेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं, जैसे इनमें कभी कभी। फिर मिडिल कॉर्टेक्स, ये है मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स यह क्षेत्र पतली भित्ति युक्त लगभग अंडाकार मधुद की कोशिका पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। ये है कोलेनकाइमेटस सेल्स और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स। इसके अंदर स्पष्ट इंट्रासेलुलर स्पेस, ये देखिए, ये दिख रहे हैं, दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इनकी भित्ति पर स्थूलन भी पाए, इसके अंदर ऑयल कैविटी पाई जाती है, ऑयल कैविटी दिखाई दे रही है, यानी मिडिल कॉर्टेक्स के अंदर ऑयल कैविटी दिखाई देती है। एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस बैरल सेप्ट होती है, ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित होती है। इसमें एक कोशिकीय मोटी परत होती है, और जो मध्य के अंदर की स्थित, जो मध्य की ओर स्थित होती है, और स्वन तंत्र को ये घेरे हुए, वैस्कुलर बंडल को ये घेरे हुए रहती है। कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित रहती है, इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, अंतराकोशिक जो अवकाश वो नहीं पाया जाता। मंड की अधिकता के कारण यह परत स्टार शीथ भी कहलाती है। स्वन तंत्र में पेरिसाइकिल, स्वन पुल, मज्जा एवं मज्जा रश्मियां सम्मिलित होती हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे स्वन बंडल की। स्वन बंडल में क्या क्या आता है? पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पित्त और मेडुलरी रेज, इन सब के बारे में हम चर्चा। पेरिसाइकिल सबसे बाहर है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल स्वन पुलों के एवं अंतस्थ त्वचा के मध्य, यानी एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, इन दोनों के बीच में ये पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल बहुपरतीय मल्टीलेयर्ड होती है। स्वन पुलों के बाहर यह दृढ़ोदकी कोशिकाओं से निर्मित टोपीनुमा बहुपरतीय संरचना के रूप में होती है। ये कोशिकाएं लिग्निन स्थूलन युक्त लंबी और मोटी भित्ति युक्त होती है। इन इंट्राफेसिकुलर रीजन में परिरंभ मृदूत की कोशिकाओं से ये निर्मित होती है। अंतरापूलीय जो क्षेत्र है उनके अंदर ये परिरंभ मृदूत की कोशिकाओं से निर्मित होती है। उसके बाद में वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल पेरिसाइकिल के अंदर की ओर होता है। वेस्कुलर बंडल इसके अंदर ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, यह वलय में उपस्थित होते हैं। स्वन पुलों में जाइलम अंदर की ओर तथा फ्लोएम बाहर की ओर एक्टोफ्लोइकी स्थित होती है। जब फ्लोएम बाहर की ओर हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्टोफ्लोइकी। ये फ्लोएम है यहाँ पे, ये कैम्बियम है, उसके बाद में ये जाइलम है, और ये पेरिसाइकिल है। वेस्कुलर बंडल, उसके बाद में वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल तो हम किस तरह का है? इसमें एंडार्क टाइप का, यानी प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होती है और मेटाजाइलम बाहर की ओर होती है। तो इसमें एंडार्क एक्टोफ्लोइकी टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। जाइलम में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं
और मर्दूत की, देखिए आप ये वाले डायग्राम देख सकते हो, इस तरह से जाइलम दिख रहा है। इसमें जाइलम में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और मर्दूत की तथा तंतु भी पाए जाते हैं। फ्लोएम चालनी नलिकाएं, सहचर्ण कोशिकाओं और मृदूत की तंतु के द्वारा निर्मित होती है। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज सवन पुलों के बीच में चौड़ी मृदूत की मज्जा रश्मियां पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं अर्य दिशा में दीर्घित होती है। पित्त, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये है पित्त, इसको मज्जा कहते हैं। ये केंद्र में स्थित होती है और मर्दूत की कोशिकाओं से निर्मित होती है। बाहर की ओर कोशिकाएं छोटी तथा परिधि की ओर बड़ी कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं के बीच में सुस्पष्ट अंतराकोशिक अवकाश पाया जाता है। इसका यदि हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इसको किस तरह से पहचाना जाता है सूरजमुखी के तने को, तो इसमें सवन पुल है, कोलेट्रल संपार्श्विक, कॉन्जॉइंट, एक्टोफ्लोइक और एंडार्क टाइप के होते हैं। तो जिस तने में ये कैरेक्टर हैं वो तना होता है, यानी तने के जो स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल, कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट, एक्टोफ्लोइकी, एंडार्क टाइप के। और जब ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो इसमें बलकुट एवं मज्जा में ये विभेदित होता है। भरूण उत्तक बलकुट एवं मज्जा में विभेदित होता है। सवन पुल ओपन एवं वलय में उपस्थित होते हैं। सवन पुल पर दृढ़ोत की टोपी के समान होते हैं। बलकुट में अधिचर्म युक्त ऑयल कवेटी पाई जाती है। तो एक सबसे पहले तो हम यदि हम बलकुट की बात करें तो बलकुट में ये देखिए इंटरनल कोर्टेक्स है, उसके अंदर इनर कोर्टेक्स के अंदर क्या दिख रहा है, ऑयल कवेटी, तेल गुहिका इसमें पाई जाती है। और एक बात ये याद रखिए, सवन पुल वेस्कुलर बंडल पर दृढ़ोत की टोपी के समान परिरंभ, परिरंभ यानी पेरिसाइकिल, ये देखिए ये जो गोल चारों तरफ दिख रहा है आपको पेरिसाइकिल, इसमें भी देखिए ये टोपी नुमा स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ सूरजमुखी में पाई जाती है। पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर ये देखिए स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल, और ये कैम्बियम, ये जाइलम, हेयर्स, एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा। तो यानी टोपी के सवन पुल पर दृढ़ोत की टोपी के समान परिरंभ, पेरिसाइकिल टोपी के समान संरचना इसमें बनाता है ये बात। तो दूसरा पॉइंट, टोपी के समान दृढ़ोत की संरचना के रूप में परिरंभ है और भरण उत्तक वलकुट एवं मज्जा में विभेदित होता है। ग्राउंड टिश्यू मज्जा और वलकुट में डिवाइड होता है और वेस्कुलर बंडल ओपन एवं वलय में उपस्थित हैं, वलय में उपस्थित होते हैं। और वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट, एक्टोफिलिक और एंडार्क टाइप के होते हैं। एंडार्क टाइप के जाइलम के अंदर ये देखिए, ये छोटे जाइलम अंदर की ओर और बड़े जाइलम बाहर की ओर, तो इस तरह के जाइलम को एंडार्क टाइप का जाइलम कहा जाता है। इस तरह का जाइलम को क्या कहते हैं, एंडार्क, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, जो छोटे हैं सबसे पहले बनने वाले जाइलम है वो प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, और मेटाजाइलम परिधि की ओर, जो मेच्योर जाइलम है वो परिधि की ओर होते हैं, और फ्लोएम जाइलम के बाहर, तो एक्टोफ्लोइक कंडीशन होती है ये। और कोलेट्रल और वलय में उपस्थित है ये, वर्दी है ओपन, कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल टाइप की। तो इस तरह से सूरजमुखी के तने की टीएस कट की जाती है और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो आप सभी के आसपास सूरजमुखी का, आपके सूरजमुखी का जो फ्लावर है वो टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन में भी है,
तो प्रैक्टिकल में भी है ये आपका और थ्योरी वाली थ्योरी के अंदर भी है। तो आप इसको इस वीडियो से, आपके पास किताब है तो उस किताब से देखकर इसको याद करिए और अपने फाइल में भी इसको बनाना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो। इन दिस कोरोना टाइम यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।